ये गाइस व्हाट्सअप। तो आज की हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स डेजर्ट सैंड कलर के बारे में। ये काफ़ी बढ़िया सीरीज है जो क्लासिक 350 के अंदर आती है सिग्नल्स, और काफ़ी लोग भाई से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों ही कलर इसके बिक रहे हैं दबा के, चाहे आप इस कलर से लगा लो और दूसरा जो आपका कलर आता है चाहे उससे लगा लो। दो कलर आते हैं इसके अंदर, और इस कलर का नाम है डेजर्ट सैंड, और वो दूसरा जो कलर है वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन है, वो भी काफ़ी बढ़िया कलर है। ये देख लो, इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आता है जिसके अंदर आपको ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल मीटर सब कुछ देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई। ओवरऑल क्लासिक 350 सिग्नल्स जो है, इसको लेने के भी मैं कुछ आपको रीजंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं प्राइस से। तो इसका जो प्राइस रखा गया है ऑन रोड दिल्ली में, वो रखा गया है 2,40,000 रुपये, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी भाई प्राइजेस को डे बाय डे इंक्रीज ही कर रही है। बाकी बाइक काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस के अनुसार भी। ये देख लो ओवरऑल लुक, काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई, और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये कलर। रियल लाइफ में काफ़ी अच्छा लगता है। क्लासिक 350 के अंदर सभी कलर्स बढ़िया हैं भाई, और सिग्नल सीरीज़ की खासियत ये है कि इसके अंदर जो टैंक के ऊपर आपको यूनिक नंबर मिलता है, ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये हर बाइक के ऊपर एक ही नंबर होता है। मतलब और ये नंबर जो आपको किसी और बाइक पे कभी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी बाइक पे देखने को मिलेगा। रॉयल इनफील्ड का लोगो भी इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट आता है, ये 40 लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा डिफरेंट आता है, पीछे TP28 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा अलग बाइक इसको बनाया गया है, और काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं भाई, नो डाउट, ठीक है ना। ये कलर भी आपको किसी और बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लासिक 350 के अंदर ही आता है ये, ठीक है ना। तो अच्छी बाइक है भाई। ओवरऑल जे सीरीज इसके अंदर इंजन आता है मैट ब्लैक में, इसके जो हैं स्पोक व्हील्स आते हैं और इंजन भी मैट ब्लैक में आता है। क्लासिक 350 सिग्नल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो सिग्नल्स 350, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। और ये नंबर जो मैंने आपको बताया, और ये इंजन देख लो, मैट ब्लैक इंजन पूरा, और जे सीरीज इंजन है ये, जो आपको 20.2 BHP की पावर निकाल के देता है। ये देख लो रॉयल इनफील्ड का लोगो भी काफ़ी अलग है इसके अंदर, और 27 Nm का आपको इस इंजन से जो है टॉर्क मिलता है। BS6 कंप्लाइंट ये बाइक है, 13 लीटर का टैंक है, जो ये आप टैंक देख रहे हो 13 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, जिसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है वो 2.6 लीटर है। यहाँ पीछे TP28 लिखा गया है। सीट का कलर भी इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है, चेरी कलर में, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस बाइक के ऊपर सूट कर रहा है। और बाइक आपको माइलेज काफ़ी अच्छी निकाल के देगी, 35 से 40 का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। टॉप स्पीड लगभग 120 की आपको मिलती है इस बाइक से, और एक बार टैंक फुल कराने के बाद 500 किलोमीटर तक ये बाइक आराम से चली जाएगी, अच्छा माइलेज है इसका। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, देख रहे हो आप आगे और पीछे दोनों इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं। काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई ये, और कलर भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली कलर के लिए लोग इसको लेते हैं। ये कलर जो है आपको किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा, और बाइक प्राइस रेंज को देखते हुए भी काफ़ी बढ़िया है। 2,40,000 रुपये में अच्छी आपको बाइक मिलती है 350 cc की, क्लासिक 350, काफ़ी रिफाइंड बाइक है ये। ये देख लो आप, डिस्क ब्रेक इसमें आपको फ्रंट 300 mm का मिलता है, और डिस्क ABS भी मिलता है आगे, और पीछे जो है आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। ये लेगो देखो इस तरफ, ये काफ़ी डिफरेंट है भाई, और यहाँ पे भी आपको जो है क्लासिक 350 लिखा हुआ देखने को मिलता है, और इंजन इस तरफ से ब्लैक है, ये नंबरिंग हो गई, ये देख लो मैट ब्लैक इंजन इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे आपको जो है क्लासिक 350 लिखा हुआ देखने को, सॉरी सिग्नल 350 देखने को मिलता है लिखा हुआ, और यहाँ पे आपको रियर में डिस्क ब्रेक 270 mm की, ड्यूल चैनल ABS, पीछे भी इसमें ABS है, और हेलोजन में इसकी जो टेल लैंप है वो हेलोजन में ही आती है। जो रियर टायर है वो 18 इंच का है, फ्रंट टायर 19 इंच का है। जो रियर टायर का साइज़ है वो 120/80/18 है, और फ्रंट टायर जो है वो 90/19 का आपको देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक 41 mm फ्रॉक्स 130 mm ट्रैवल के साथ फ्रंट सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर, जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये देख लो मीटर कंसोल दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको, काफ़ी बढ़िया भाई बाइक है। ओवरऑल 195 kg वेट है, 2145 mm लेंथ है, 785 mm जो है विड्थ है, 1090 mm हाइट है बाइक की, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट 805 mm की, 3 साल या 30,000 किलोमीटर की इसके ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड वारंटी देता है। काफ़ी बढ़िया है बाइक है, काफ़ी रिफाइंड है। ट्रिपल नेविगेशन आप इसके अंदर लगवा सकते हो, USB चार्जिंग इसके अंदर आती है, और भी बहुत सारी एक्सेसरीज आपको रॉयल इनफील्ड की तरफ से देखने को मिलती है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है इस प्राइस रेंज के अंदर। लो मेंटेनेंस बाइक, काफ़ी रिलायबल, रीसेल भी आपको अच्छी प्रोवाइड करती है, हैवी बिल्ड क्वालिटी इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो क्लासिक 350 सिग्नल्स है ये मेरे अकॉर्डिंग है। आपका क्या विचार है इस बाइक के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाइक काफ़ी बढ़िया है ओवरऑल, ठीक है ना।
तो आज वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।